निगासन तहसील के गांव बहमनपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर के आसपास भीषण गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बच्चों में बीमारियों की आशंका प्रबल हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में तैनात सफाई कर्मी इन दिनों ब्लॉक कार्यालय पर जोड़ दिया गया है, जिससे गांव की सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक राम मनोरथ ने बताया कि जब तक वह उनका स्टाफ स्कूल में रहता है, तब तक स्कूल में सामने कोई भी कूड़ा कचरा नहीं डालता, लेकिन उनके जाने के बाद और आने से पहले लोगों द्वारा कूड़ा डालने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर वह कई बार प्रधान व विभाग को सूचित कर चुके हैं। वहीं शिक्षिका सोनम पवार व क्रांति गुप्ता का कहना है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में गंदगी बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कई बीमारियां लेकर आ सकती है, इसलिए स्कूल परिसर में लगे कूड़े के ढेर की जल्द से जल्द सफाई होनी चाहिए। लेकिन कूड़ा है, फिर भी यहाँ 9 से 3 हम रहते हैं, जब तक कोई नहीं यहाँ कूड़ा डालने आता, फिर भी जब आते हैं फिर यहाँ कूड़ा होता है।